उत्तराखंड में पांचों लोकसभा सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। टिहरी, अल्मोड़ा और नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर जहां बीजेपी ने पुराने प्रत्याशियों को रिपीट किया है, तो वहीं पौड़ी और हरिद्वार सीट पर बीजेपी ने दो नए चेहरों पर दांव खेला है। पौड़ी से जहां भाजपा ने अनिल बलूनी को टिकट दिया है, तो वहीं राज्य के सबसे हॉट सीट पर बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भरोसा जताया है। हालांकि बीजेपी के इन दोनों उम्मीदवारों के लिए ये राह इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले जहां त्रिवेंद्र सिंह रावत की नकल माफिया हाकम सिंह से संबंधों का मामला गर्माने लगा है, तो वहीं पौड़ी में अंकिता भंडारी हत्याकांड की गूंज फिर से सुनाई देने लगी है। ऐसे में विपक्ष भी इन मुद्दों पर भाजपा को घेरने में जुट गया है। क्या हरिद्वार सीट पर त्रिवेंद्र की बढ़ सकती है मुश्किलें? त्रिवेंद्र की राह में हाकम बना कांटा। क्या हाकम के कांटे से पार पा जाएंगे त्रिवेंद्र? त्रिवेंद्र के खिलाफ मुद्दे उठाने को तैयार विपक्ष। क्या पार्टी के उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे अनिल बलूनी? चुनाव से पहले अंकिता भंडारी मामले ने फिर पकड़ा तूल। उत्तराखंड के पांच लोकसभा सीटों में बीजेपी हरिद्वार सीट को सबसे ठप्प मानकर चल रही है। उसकी वजह है कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को यहां से अधिकतर सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में बीजेपी लोकसभा चुनाव के जरिए वापसी करने को बेताब होगी। लेकिन बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए क्या ये डगर इतनी आसान रहने वाली है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से क्षेत्रीय मुद्दों के साथ अब नकल माफिया हाकम सिंह को लेकर विपक्ष त्रिवेंद्र पर हमला कर रहा है, उससे त्रिवेंद्र को पार पाना इतना आसान नहीं होने वाला है। वहीं बात अगर पौड़ी लोकसभा की सीट की करें, तो यहां भी भाजपा को अपना परचम लहराना इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला फिर से तूल पकड़ रहा है, उससे फिर बीजेपी सवालों के घेरे में आ गई है। साथ ही जोशीमठ भूदसाव मामला भी इस चुनाव में जोर पकड़ सकता है, जो भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। बहरहाल शनिवार को जैसे ही चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ, तो सभी प्रत्याशी मैदान में उतर गए। अब बस देखना होगा कि जनता किस पार्टी के प्रत्याशी पर अपना आशीर्वाद बरसाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।